हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बिल्कुल प्लेन कपड़े से इस टॉप को बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो मेरा आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कपड़े की दो लेयर लें, फिर सेंटर से फोल्ड करें। इस कपड़े की टोटल लेंथ है 18.5 इंच। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाएं, शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे, और सेंटर से चेस्ट की विड्थ रखें 7 इंच। नीचे तक 7 इंच विड्थ लेनी है। दोनों के सेंटर पे 1/2 इंच लेस कर देंगे तो 6.5 इंच पे निशान लगाएं, हल्का सा शेप दे देंगे। बहुत ज्यादा गहराई यहाँ पर नहीं देनी है, सिर्फ 2 पॉइंट का गैप लेते हुए ही हल्का सा पीछे के लिए गहराई में शेप देते हुए इस निशान से मिला देना है। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें, सेम निशान पर कटिंग करें। अब इसमें से एक पार्ट को अलग कर दें, इसे बैक पार्ट मानेंगे तो सेंटर से 2.5 इंच पे निशान लगाएं, और यहां से 1 इंच पे राउंड शेप दें, इस निशान पर कट कर दें। अब दूसरा पार्ट लें, इसे फ्रंट पार्ट मानेंगे, इसमें भी 2.5 इंच पे निशान लगाएं, और यहां से 2.25 इंच पे राउंड शेप दें, सेम निशान पर कटिंग करें। फिर आपको बैक पार्ट को साइड कर देना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट में कुछ निशान बना रखे हैं, इनका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से 2 इंच में 1 पॉइंट कम करते हुए पहला निशान लगाया है, और इस निशान की लेंथ है 5 इंच, और इन सभी निशानों के बीच में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा है। जो भी निशान लगाए हैं इनके बीच में पूरा 1/2 इंच का डिस्टेंस है। दूसरे निशान की लेंथ है 4.25 इंच, देखिए यहाँ तक है, उसके बाद फिर से 1/2 इंच का डिस्टेंस लिया, और इस निशान की लेंथ है 4.25 इंच, फिर 1/2 इंच का डिस्टेंस है इसके बीच में, और इस निशान की लेंथ है टोटल 5 इंच, फिर से 1/2 इंच का डिस्टेंस है बीच में, और इसकी लेंथ है टोटल 7 इंच, फिर 1/2 इंच का डिस्टेंस है, और इस निशान की लेंथ है 5.1 इंच, फिर 1/2 इंच का डिस्टेंस है, और इस निशान की लेंथ है 4.25 इंच। उसके बाद आपको सिर्फ 2 पॉइंट का गैप लेना है। जब आप ये निशान लगाएंगे तो अपने आप 0.2 इंच का गैप आ जाएगा। आप इन निशानों को डार्क कर लीजिए, या मैंने निशानों को डार्क कर लिया है। अब इस पार्ट को इस तरह खोलें और इस तरफ से फोल्ड करें सेंटर से बिल्कुल बराबर, और इस तरह से करें जिससे ये निशान इस तरफ भी उभर आएंगे। देखिए बिल्कुल सेम लग गए हैं, इस तरह से आपके निशान इस तरफ भी आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इन्हें डार्क कर लीजिए। फिर आप इसके लिए जो भी बॉटम वेयर बनाते हैं उसी की मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको सिंपल 4 री लेनी है। जैसा कि मैं इसके नीचे इस कलर का प्लाजो बनाऊंगी, तो इसी की मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने 4 री ली है, और इस प्लाजो का डिज़ाइन हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फिर चारों रील से धागे को निकालेंगे और बिल्कुल एक बराबर रखें।
इस तरह से आपको धागा मिलाते हुए मोटा कर लेना है और बॉबिन में इसको बाइंड कर देंगे। इस तरह से आपको पूरा धागा बाइंड करना है। पूरा धागा फिल करने के बाद इस धागे को नीचे लगाना है। और मैचिंग का धागा ही ऊपर डालना है। हम एक लाइन को छोड़ते हुए इस वाले रंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले इस वाले निशान पर सिलाई लगाएं और ये हमारा उल्टा साइड है टॉप का, जिस तरफ हमने निशान लगाए हैं तो इसे अपनी तरफ रखना है। ऐसे बाद में खींच के बराबर कर देना है, जिससे बिल्कुल भी खिंचाव ना रहे सिलाई में। देखिए इस तरह से डिजाइन बन जाएगी। अब एक लाइन को छोड़ते हुए दूसरे वाले निशान पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइन को छोड़ते हुए सेम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी सिलाई लगा ली है और इन दोनों के बीच में जो निशान छोड़ा था उसमें आपको व्हाइट कलर के थ्रेड से सिलाई लगानी है। जैसे बॉबिन में येलो वाला थ्रेड फिल करना बताया था, सेम वैसे ही आप व्हाइट कलर का थ्रेड फिल करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ नीचे का धागा चेंज करना है, ऊपर का धागा आप चेंज नहीं करेंगे। और ऐसे ही सिलाई लगाएं जैसे मैंने लगाई है। अब आपको येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन में बटन लेने हैं और जहाँ हमने व्हाइट कलर के थ्रेड से सिलाई लगाई है वहाँ पे आपको येलो कलर का बटन अटैच करना है, और जहाँ पर हमने येलो वाले थ्रेड से सिलाई लगाई है वहाँ पर व्हाइट कलर का बटन अटैच करना है। देखिए इस तरह से सभी बटन को अटैच करेंगे। अब आप बैक पार्ट को ले और जहाँ तक आर्म होल का निशान लगा है वहां से हाफ इंच लंबी लेंथ में एक अलग से पीस ले। इसकी विड्थ है लगभग 2.5 इंच। इस कपड़े को तीनों तरफ से अंदर के लिए फोल्ड करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह तीनों तरफ से अंदर के लिए फोल्ड कर लिया। अब टॉप को ले, ये टॉप का उल्टा साइड है तो इसे सीधी तरफ से रखें। यहाँ तक देखिए मेरे आर्म होल का निशान लगा हुआ है और ये मेरे टॉप का सेंटर है। अब इस वाले पीस को सेंटर से फोल्ड करें। सेंटर वाले निशान से बराबर मिलाते हुए रखें। अब देखिए ये सेंटर है, मैं निशान लगा दे रही हूँ जिससे आपको आसानी से पता चलेगा। सेंटर वाले निशान से 0.1 इंच का गैप लेते हुए सिलाई लगाएं। फिर इस निशान से सिलाई को मिला दें और फिर घुमा लें। अब जैसे इधर लगाई बिल्कुल वैसे ही इधर लगाएं। इस तरह से लगानी है। अब सेंटर पे कट लगाएं। सिलाई से बचाते हुए कट लगाना है। अब इसे पीछे की तरफ पलट दें। अब सिंगल फुट का मार्जन लेते हुए सिलाई लगा दें ऊपर से। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखें।
शोल्डर अटैच करें। अब आपको स्लीव्स के लिए कपड़े की दो लेयर लेनी है, फिर सेंटर से फोल्ड करें। इस कपड़े की लेंथ है 14 इंच, ऊपर से एक निशान 2.5 इंच पे लगाएं और यहाँ से विड्थ रखें 6.5 इंच, फिर इस तरह से शेप दें और नीचे से भी बिल्कुल बराबर विड्थ है 6.5 इंच, सिर्फ यहाँ पे 1/2 इंच कम कर देंगे तो 6 इंच पे निशान लगाएं और इस निशान को यहाँ से मिलाएं। सेम निशान पर कटिंग करें। अब इसमें से एक स्लीव को लें। अब यहां से और यहां से दो बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगाएं। अब जहां हमने सिलाई लगाई है, दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचेंगे। जो गैदर पड़ेंगी उन्हें सेंटर पे कर दें स्लीव के। जैसे ऊपर की तरफ गैदर बनाई वैसे ही सेम नीचे भी गैदर बनाएं और इसे भी सेंटर पे कर दें और आर्म होल से इसकी विड्थ जितनी हमने टॉप में आर्म होल की विड्थ रखी है ये वाली बिल्कुल इसी के बराबर आपको गैदर बनानी है। अब फैब्रिक की तो अलग से पीस लें। इसकी विड्थ है 5.5 इंच और लेंथ है 7.5 इंच। इसमें से एक लेयर लें, उल्टी तरफ से इस वाले पीस को रखें। और यहां से स्ट्रेट सिलाई लगाएं। अब इसे नीचे की तरफ करें और पीछे से बराबर करें। अब स्लीव को सीधी तरफ से रखें और यहाँ से 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करें और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर इस तरह पलट के रखें। अब बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा के अटैच करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अटैच करना है। अब टॉप को नीचे फैलाकर इस तरह रखें और स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रखें, सेंटर से बिल्कुल बराबर मिलाएं और यहाँ से अटैच करें। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने एक स्लीव बनाकर अटैच करी बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरी स्लीव भी बनाकर अटैच करनी है। अब आपको कॉलर के लिए अलग से फैब्रिक की एक पट्टी लेनी है और इसकी लेंथ है 23 इंच और विड्थ है 1/4 इंच। 1/4 इंच विड्थ आप तब लें जब आप एक साइड से ओवरलॉक करें। अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन नहीं है तो आप इस पट्टी की लेंथ 1.5 इंच रखें। अब मैं इसमें एक साइड से ओवरलॉक कर दूंगी और दोनों तरफ से भी ओवरलॉक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ओवरलॉक करने के बाद इसमें भी नीचे से वैसे ही गैदर बनाएं जैसे मैंने आपको स्लीव्स में बनाना बताया था और इस पट्टी की लेंथ जितनी नेक की गोलाई है उसी के बराबर रखें। टॉप को सीधा रखें और इस पट्टी को टॉप के ऊपर उल्टा रखें। ऐसे राउंड में रखें और 1/2 इंच का मार्जिन लेके अटैच करें। अब ये मार्जिन लेकर जो सिलाई लगाई है उसे नीचे की तरफ कर दें और ऊपर से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं, जिससे देखिए ये कॉलर ऊपर की तरफ खड़ा रहेगा। अब टॉप को उल्टा करें। इस तरह से बराबर मिलाएं और यहाँ से लेके यहाँ तक साइड से अटैच करें। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें, दोनों साइड से अटैच करें। उसके बाद नीचे से कपड़े को फोल्ड करें और यहाँ पर एक हुक आई अटैच कर दें जिससे नेक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा
और ये टॉप पहनने के बाद इसकी स्लीव्स का डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा, तो ये काफी सुंदर लगेगा। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।